यूपी विधानसभा चुनाव के तीन चरणों का रण खत्म हो चुका है। अब बारी चौथे चरण की है, जिसमें बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर कब्जा करने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक क्या है सीटों का समीकरण और कौन पड़ेगा किस पर भारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव जैसे जैसे अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कनें भी पड़ने लगी हैं, क्योंकि अब बारी चौथे चरण की है, जिसमें यूपी का दिल कहे जाने वाले लखनऊ से लेकर विपक्ष के मजबूत गढ़ रायबरेली और लखीमपुर खीरी में मतदान होगा। इसलिए बीजेपी से लेकर सपा ने इस रण को जीतने के लिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। इस चरण में रोहिलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है। इनमें गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से चुनाव में हैं, जिनका मुकाबला सपा के आरपी यादव से है। योगी सरकार के मंत्री और ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक अपनी पुरानी सीट छोड़कर लखनऊ कैंट सीट से मैदान में है। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जिनके मुकाबले सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ ही लखनऊ मध्य सीट से सपा के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा किस्मत आजमा रहे हैं। ये संग्राम दिग्गजों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले में वोटिंग होगी। सीटों के लिहाज से देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। पीलीभीत की 4 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती, वहीं लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब की बार बीजेपी के लिए जीत का इतिहास दोहराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक बीजेपी की किरकिरी हो रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्र का बेटा आशीष मिश्र बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी सरकार पर आशीष मिश्र को बचाने का आरोप लगा रही है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इसी के साथ ही महंगाई से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा भी हावी है। ऐसे में देखना होगा कि चौथे चरण का संग्राम किसके नाम होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।